अलेक्जेंडर कोतोव और मिखाइल ताल के बीच में ये गेम खेला गया था यूएसएसआर चैंपियनशिप 1958 में। मिखाइल ताल ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कोतोव खेल रहे हैं वाइट पीसेस के साथ। c4 के साथ कोतोव ने प्रारंभ कर दिया है f6 ताल की ओर से, तो नाइट को कोतोव ने भी बाहर निकाल लिया। किंग्स इंडियन खेलने वाले हैं ताल, कुछ उसी तरह का चाल कोतोव भी चलते हुए कैसिंग करते हुए किंग्स इंडियन वो भी खेले हैं। ई फाइल को खोलने की ताल के यहाँ पर इच्छा है। ये देखिए किस तरह से मिखाइल ताल की क्वीन a5 पर चली गई है। क्या चाहते हैं मिखाइल ताल, वो भी गेम की शुरुआत में। ये a3 पुश हुआ है कोतोव की तरफ से, यानी कि बी फाइल का पॉन भी वो पुश ज़रूर करेंगे। एक डिस्कवर अटैक करने की तैयारी, पीछे ही पड़ गया है कोतोव का ये डार्क स्क्वायर बिशप मिखाइल ताल के क्वीन के पीछे। तो मिखाइल ताल ने इस घोड़े पर निशाना बना दिया। पॉन एक्सचेंज करवाने की कोशिश, फिलहाल तो ये पॉन लिया नहीं जा सकता मिखाइल ताल के पॉन से, क्योंकि कोतोव का ये डार्क स्क्वायर बिशप आँख लगाए हुए हैं मिखाइल ताल की क्वीन पर, और ये सेक्रीफाइस शुरू हो चुकी है। मिखाइल ताल की गेम यहाँ पर हो गया है नाइट सेक्रीफाइस, लेकिन ये नाइट एक्सचेंज है एक तरह से। फिर से वापस आ गया ये नाइट, ये बिशप क्वीन के सामने मिखाइल ताल अपना रुक लाते हुए। रुक पर निशाना, तो मिखाइल ताल ने क्वीन पर ही निशाना बना दिया, तो उसका बचाव किया कोतोव ने। बार बार मिखाइल ताल के हाथी पर निशाना लगा रहे हैं, उसे लेने की पूरी तरह चेष्टा कर रहे हैं कोतोव, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। कहाँ पहुँचा देते हैं मिखाइल ताल अपने पीसेस को, कितने शानदार तरीके से अपने नाइट को कहाँ पहुँचा दिया f2 पर, और अभी खतरे में है कोतोव का ये क्वीन। तो इस तरह से कुछ पीसेस एक्सचेंज हुए, क्या फ़ायदा हुआ ताल को, आके दो पीसेस देने पड़े। लेकिन देखिए ये कोतोव का ये बिशप लटका हुआ है, मिखाइल ताल ले लेंगे इसको। ऊपर से देखिए मिखाइल ताल का क्वीन जो है उसके लिए एक सुंदर सा डायगनल यहाँ पर खुल गया है, तो आराम से वो कोतोव के किंग के पास में जा पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा किया नहीं उन्होंने। क्या मूव आया है, एक छुप कर छुपा हुआ अटैक, क्वीन लेने की तैयारी मिखाइल ताल की इस चेक के साथ। क्या करेंगे कोतोव, क्वीन से डिफेंस अभी तो हो सकता है। चेक, घोड़ा खतरे में, पॉन लेने की बहुत इच्छा, पहले तो डबल चेक दोबारा चेक, घोड़ा खतरे में, घोड़ा हाथी को लेने की कोशिश में। चेक, क्या मूव आया है रुक से, क्या करते आप ही जगह होते। तो कोतोव ने यहाँ पर मिखाइल ताल का ये हाथी ले लिया। ताल एक पीस थोड़ी ना देते हैं, एक के बाद एक और देते हैं, और इसके बाद हो गया है रिजिग्नेशन कोतोव द्वारा। क्यों, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं है सी फाइल के पॉन को क्वीन बनने से रोक पाए कोतोव। एक आध चेक दे सकते हैं कोतोव अपने रुख से, और कोई जरिया नहीं है उनके लिए। तो मिखाइल ताल ने तो कुछ देर पहले अपना हाथी दे दिया था, वो सिर्फ इसीलिए दे दिया था कि यहाँ पर कोतोव का जो ये हाथी है वो ई फाइल तक आ सके, और ताकि मिखाइल ताल उसका रास्ता बंद कर सके, क्योंकि क्वीन लानी है मिखाइल ताल को अगले मूव में। तो कोतोव ने रिज़ाइन कर दिया अब।